प्रणाम नमस्ते, हम हैं आपकी चटोरी भाभी। अब ऐसे देखा जाए तो आप लोग इन्हें सोचते होंगे ना कि हमने आज काहे प्रणाम कहा है, काहे कि भैया ये जोन बड़े बुजुर्ग हमको देख रहे होंगे तो उनको भी तो हमको प्रणाम बोलना चाहिए कि ना, ये खातिर हम आज बोल दिए हैं। अब बाकी आप लोग इनका स्वागत है ई बजूका के सेट पे, जोन की हमारा घर है। अब शुरुआत करते हैं। पहले आप लोग सोच रहे होंगे काहे कि आज हम ये हरा भरा साड़ी पहने हैं, गजगजा हुआ, ये खातिर पहने हैं ना कि हम वो फिल्म देखने जाने वाले हैं। अब वो फिल्म ना ही देख के बारे में आपको बताएंगे, और दूसरा फिल्म है। अब बाकी जो फिल्म के बारे में बताने वाले हैं ना, वो आने वाले 5 अप्रैल को आएगी। वो है नामो का द फैमिली स्टार, अपने वो का कहते हैं एक्टर वो विजय देवराय नकोंडा के बारे में सुना है कि नहीं? नहीं नहीं, रुकिए, हमने शायद नाम गलत ले लिया। विजय देवरा कोंडा एनाकोंडा नहीं, वो इंसान है ना कि वो बड़ा वाला सांप, ठीक है। बाकी ना वो उनकी फिल्म आ रही है द फैमिली स्टार, वो मृणाल ठाकुर के साथ में। मृणाल ठाकुर, ये नाम ऐसा लग रहा है कि जैसे आदमी वाला रखे हैं, बाकी औरत हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस वो आ रही हैं। इन दोनों का जोड़ी दिखने वाला है। और बाकी जो पिक्चर का जो लैंग्वेज कहते हैं उनका भाषा, भाषा ना आप लोगों को हाई दिया है, माना तेलुगु और तमिल दिखाई देगा। कहानी में ऐसा दिखाया गया है कि विजय देवरा कोंडा जो है ना, वो अपनी एक परिवार को संभालते हुए नजर आते हैं। काहे कि भैया ये जो परिवार का सबसे बड़ा मेन वो सदस्य होता है, सदस्य बहुत बड़ा होता है। एक हाथ ही तो उन्होंने वो पिक्चर में द फैमिली स्टार, तो यह होता है फैमिली स्टार। और फैमिली की परेशानी ना कब ख़त्म नहीं होती है, वह यह बताया गया है ये कहानी माँ। भैया देखा जाए ना ये जो मूवी आ रही है वो कौनो एक्शन वो ड्रामा वो कॉमेडी वो थ्रिलर के ऊपर नहीं है, ये एकदम सादा सिंपल वो परिवार के बारे में बताया है कि कैसे उस सदस्य वो मेन सदस्य बड़ा सदस्य झेलता है, हर चीज़ को देखता है। एमा मृणाल ठाकुर भी जौन है ना, वो भी एकदम गजब का किरदार निभा रही है। काहे कि वो मन्ना औरत हो के आदमी को समझती हैं, वो परिवार चलाने में मदद करती हैं। अब आके ना अब आपको चलते हैं लेके के डायरेक्टर के ऊपर, जो ने की कर्ता धर्त बनाए बनावे वाले लोग हैं। वो डायरेक्टर का नाम है परशुराम पेटला। ये परशुराम पेटला बड़ा अजीब गरीब नाम है। बाकी अब हम ना प्रोड्यूसर के नाम बताते हैं। अब प्रोड्यूसर का नाम भी ना ऐसा अजीबो गजीबो है, मतलब देखिए दिल राजू, ये दिल राजू कैसे भी कौन लोग नाम रख सकते हैं हमको समझ नहीं आता है। और एक बाद में ना ये पिक्चर माना एक और एक्ट्रेस हैं जो कि मेन किरदार में दिखेंगे आपको, ये हैं दिव्यांशा कौशिक, दिव्यांशा कौशिक। अब भैया ये मूवी जो नहीं विजय देवरा कोंडा की मूवी बनाई गई है, अब देखा जाए तो ये कास्ट है बहुत बड़ा। काहे कि विजय देवरा कोंडा भाई बड़े एक्टर हैं, उनको वो गीता गोविंदम से मिला था, वो फेमस हुए थे, उसके बाद में उन्होंने अर्जुन रेड्डी बनाई, फिर उसके बाद में वो लीगर बनाई, लीगर नहीं लाइगर, देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस में पिट गई थी। अब आके फिर से वो भाई तेलुगु तमिल के बादशाह हैं तो पिक्चर तो बनाना छोड़ेंगे ना ही, आए के लिए भी मूवी लेके आए हैं द फैमिली स्टार। अब बाकी बजट के बारे में बताते हैं, ये जो पिक्चर बनी है ना वो बनी है 50 करोड़ रुपया से ज़्यादा। हाँ 50 करोड़ रुपया से ज़्यादा। अभी बात की जाए भैया ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितना कमाई कर सकती है, तो उसके ऊपर भी हम आपको बता ही देते हैं थोड़ा।
काहे की यह विजय देवरा कोंडा की मूवी काहे की विजय देवरा कोंडा को ना भैया हर कोई हाइदे ये जानता है। तेलुगु तमिल में ना लोग इनको बहुत मानते हैं। वहाँ पे तो ये पिक्चर चलने वाली है एकदम हिट। काहे की वो है एकदम बादशाह वहाँ के उनकी फिल्म रिलीज हुई ना कौनो फ्लॉप ना ही जाती है। बाकी हिंदी में आके ना नैया डगमग हो जाती है। अब बॉलीवुड की जन पहले बनाए थे लाइगर वो तो पिट गई थी। अब बाकी ई ना ही पिटने वाली ई भी कमाई अच्छी खासी करेगी। काहे कि वो का कहते हैं वो साउथ इंडियन की लुक कौनो कम थोड़ी ना है। वो भी बहुत 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 ज़्यादा लोग हैं भैया, अगर सब देखने गए तो कितना कमा सकते हैं बाप में। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में और तब तक के लिए हमारा वीडियो ना देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और क्या कहते हैं वो सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलेंगे हम आपको फिर से, तब तक के लिए राम राम।